गारंटी नहीं है, तेजस्वी की गारंटी है, ये शब्द है। ऐसा है, जनता मालिक होता है, कौन खत्म होगा कौन नहीं खत्म होगा। तो नीतीश कुमार जी या जेडीयू ऑक्सीजन दे दिया उन्होंने। ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तीसरे चरण के वोटिंग से ठीक एक दिन पहले जदयू के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले संजय झा की तरफ से एक बयान आया है। उस बयान को लेकर के अब चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। संजय झा ने चुनाव प्रचार जाने के दौरान जब एयरपोर्ट पे उनसे पत्रकारों ने बातचीत किया तो उस दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही, जिसमें उन्होंने एक क्लियर मैसेज तेजस्वी यादव के लिए छोड़ा है। मैसेज क्या है और मैसेज के बाद तीसरे चरण के वोटिंग से ठीक पहले इस मैसेज के मायने क्या निकाले जाएँ। आपको बता दें कि एक तरफ जहां तलखियां देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ से हमने कई बार आपको बताया है कि महागठबंधन और खास करके तेजस्वी यादव की तरफ से नीतीश कुमार को टारगेट नहीं किया जा रहा है और नीतीश कुमार उनके सॉफ्ट कॉर्नर में हैं। लेकिन ये बातें जो संजय झा ने कही है, जो मैसेज दिया है, वो मैसेज कितना क्लियर है और उसके मायने क्या हैं, आप खुद उनके बयान से अंदाज़ा लगाइए और कॉमेंट बॉक्स में लिखिए कि आखिर संजय झा के इस मैसेज का, इस बयान का क्या मायने है। विजुअल आया था, कितना बड़ा कैस पकड़ा गया और आज भी ये इसका मतलब जो विपक्ष के लोग इस स्केल पे पैसा का कमाना और उसको चुनाव में दुरुपयोग करना सामने में दिखाई कर रहा है। लेकिन देश की जनता के नजर में सब है और सारा हिसाब इस चुनाव में प्रधानमंत्री को बुजुर्ग बता रहे हैं, कह रहे कि बुजुर्ग लोग काम की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, देख नहीं रहे प्रधानमंत्री एक दिन में कितना मीटिंग करता है, उनका एनर्जी लेवल कितना है, रोड शो करता है, सुबह दिन भर मीटिंग करता है, सामने जाके रोड शो करता है, आज जो बोल रहा है वो तो बीच में ही लड़खड़ा जा रहा है। घटना को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि इसके जिम्मेदार सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी है। प्रधानमंत्री के कारण ही जवान शहीद हो रहे हैं, पहले कोई शहीद नहीं होता था। जम्मू कश्मीर की स्थिति घटना कोई नई बात नहीं है, ऐसा वहाँ एक माहौल जो है वहाँ पर कोई पहले घटना नहीं होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब भी कोई घटना हुई उस पर एक्शन हुआ है, वहाँ एक डिफरेंट माहौल शुरू से रहा है। 47 से के बाद की स्थिति वहाँ पर, और मुझे लगता है कि एक्शन भी चल ही रहा है जो मैंने अखबार में देखा हुआ है। इन लोगों के होश फाकता हो चुके हैं, समझ में आ जाएगा कि क्या बिहार की जनता चाहती है। हम लोग तो चुनाव प्रचार में अभी एक सप्ताह तीसरे फेज में ही थे, तीसरे फेज में हम लोग 2019 से ज्यादा वोट से जीतेंगे, जो तीसरा फेज कल चुनाव होने वाला है कि 24 खत्म होते होते जदयू खत्म हो जाएगी। एक बड़ा सवाल है, 24 खत्म होते होते जदयू खत्म हो जाएगी, हम दूसरा उन्होंने ये चिकाय, ये मोदी की गारंटी नहीं है, तेजस्वी की गारंटी है, ये शब्द है। ऐसा है, जनता मालिक होता है, कौन खत्म होगा कौन नहीं खत्म होगा। तो नीतीश कुमार जी या जेडीयू ऑक्सीजन दे दिया उन्हें, याद नहीं है 2010 का रिजल्ट कौन खत्म हो गया था। इसलिए जनता मालिक है, नीतीश जी बिहार के लोगों के दिल में बसते हैं, उनका जीवन बदले हैं, बिहारियों की अस्मिता बचाए हैं, बिहारियों की इज्जत बढ़ाए हैं, वो हमेशा लोगों के दिल में रहेंगे और बिहार की जनता तय करेगी कौन खत्म होगा कौन की। युवाओं की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जब तक है तब तक लड़ेगा। पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 816 700। धन्यवाद।